हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईकॉम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कवर करेंगे। एक का नाम है रैंड फॉर्मूला और सेकंड का नाम है रैंड बिटवीन फॉर्मूला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रैंड फॉर्मूला बताता है कि अगर हमें रैंडमली नंबर निकालना है, यहाँ पे तीन फॉर्मूले गिवन है, रैंडमली नंबर निकालना है, 0 से 1 निकालना है हमें, 0 से 10, 0 से 100। देखो तीनों एक एक करके निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर पास करा। जैसे हम ये एंटर पास करेंगे तो देखो 0 से लेकर 1 के बीच में एक रैंडमली नंबर आ गया। इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, शिफ्ट दबा के रेंज सेलेक्ट करते हैं, एंटर पास करते हैं। तो 0 से लेकर 1 तक एक रेंज कोई भी नंबर हमारा रैंडमली नंबर आ गया। अब हम चाहते हैं 0 से 10 तक नंबर आए, तो सेम अप्लाई करते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज इंटू का साइन और 10। क्या लिखा हमने? इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटू का साइन और 10। तो 0 से लेकर 10 तक रैंडमली नंबर आ गया। कंट्रोल सी से कॉपी करा, शिफ्ट दबा के रेंज सेलेक्ट करी और एंटर पास करा। सेम अगर 0 से 100 चाहते हो तो इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज इंटू का साइन और 100, एंटर। तो देखो 0 से लेकर 100 तक आ गया। फॉर्मूले को कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा, शिफ्ट दबा के रेंज सेलेक्ट करी और एंटर पास करा। तो यहाँ पर देखो 0 से लेकर 1 नंबर आ गया, यहाँ 0 से लेकर 10 आ गया और यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक आ गया एक रैंडम नंबर। अब इसमें एक और चीज़ देखोगे, देखो हम अगर एक्सेल की शीट पर कहीं भी कुछ टाइप करते हैं ना, तो हमारी ये शीट जो हमने एक्चुअल बनाई, ये डाटा बनाया, चेंज हो रहा है डाटा। कुछ भी आप टाइप करो चेंज होगा, तो उस डाटा को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो डाटा फिक्स कैसे करते हैं? जैसे मान लो फाइनल डाटा आपका ये तैयार हो गया, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसे फिक्स करना है। तो आप डाटा को सिलेक्ट करोगे, ये डाटा हमने सिलेक्ट करा, इसे कॉपी करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे गए, आपको वैल्यूज़ में जाना है और ओके प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। तो देखो ये डाटा हमारा फिक्स हो गया। सेम इस डाटा को भी हम फिक्स कर लेते हैं, सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यूज़ पे गए, ओके प्रेस करा और एंटर पास करा। सेम लास्ट भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करा, राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यूज़ पे गए, ओके गए और एंटर। अब देखो तीनों डाटा आपका फिक्स हो गया, आप कुछ भी टाइप करो चेंज नहीं होगा। देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो तीनों हमारा फिक्स हो गया। तो चलो अब आते हैं रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन कहता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच में कोई नंबर चाहिए तो कैसे आएगा। तो देखो एग्जांपल गिवन है, हमें कुछ स्टूडेंट्स गिवन है, इनकी हमें मार्कशीट निकालनी है कि कितने कितने नंबर आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने आए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो लिखते इक्वल टू रैंड बिटवीन और ब्रैकेट ओपन। अब कह रहा बॉटम नंबर कि मिनिमम कितने नंबर आए और टॉप मैक्सिमम कितने आए। तो वी आर अज्यूमिंग कि मिनिमम नंबर आएगा 20 और मैक्सिमम नंबर आएगा 99, इसके बीच में कोई नंबर आना चाहिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर पास करा। तो इसके बीच में एक नंबर आ गया, कंट्रोल सी से कॉपी करा, शिफ्ट दबाकर हमने ये रेंज सेलेक्ट करी सारी और एंटर पास करा। तो देखो रैंडम नंबर आ गया 20 से लेकर 99 के बीच में। अब सेम आप कुछ भी टाइप करोगे, ये भी देखो चेंज होगा, इसको भी फिक्स करना है। तो फिर इसको सिलेक्ट करो सबको, ये सब सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा, यहाँ पर जाके राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे गए, वैल्यूज़ पे गए और ओके प्रेस करा और एंटर पास करा। तो देखो आपकी रेंज फिक्स हो गई, ठीक है। अब देखो हमें टोटल निकालना है, और टोटल के लिए भी हमने आपको शॉर्ट की बताई थी एक, कि हमें अगर टोटल निकालना हो, सम निकालना होता है, तो इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट इक्वल टू। तो देखो वैसे तो हम इक्वल टू सम से भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम लगा के रेंज सेलेक्ट करके भी कर सकते, बट हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिंपल यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू करा तो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ये देखो अपने आप आ गया, और एंटर पास करेंगे तो ये सम भी हो गया। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करा, शिफ्ट दबा के नीचे आए और एंटर पास करा। सेम अगर मुझे इस सब को भी टोटल करना है, इन सब को भी टोटल करना है, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट इक्वल टू यूज़ कर सकता हूँ, ऑल्ट इक्वल टू, तो देखो इनका सम भी हो जाएगा, एंटर पास करा, तो हम ये भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर ये रैंड और रैंड बिटवीन यूज़ कहाँ करेंगे। देखो ऑफिस में एक्चुअली ये यूज़ नहीं होता, बट अगर आप एक्सेल सीख रहे हो,
सीखते टाइम में आपको कुछ एग्जाम्पल बनाने हैं, डाटा बनाना है, तो उसके लिए यूज़ होता है, उसमें बहुत हेल्प करता है आपकी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।